हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी फ्रॉम JPC सीकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेल्डिंग क्या होती है और क्यों इस्तेमाल में लाई जाती है। वेल्डिंग दो या दो से ज़्यादा सिमिलर और नॉन सिमिलर मेट को जोड़ने के काम में आती है। प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग और सिमिलर और डिससिमिलर मेटल्स हीटिंग देम टू ए सूटेबल टेम्परेचर विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर फिलर मटेरियल एंड फ्लक्स। जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो जॉइन करने के काम में आती है दो या दो से ज़्यादा सिमिलर या डिससिमिलर मेटल्स को बाय हीटिंग देम टू ए सूटेबल टेम्परेचर। एक सूटेबल टेम्परेचर तक उन मेटल्स को गर्म किया जाता है, उसके बाद में उनके ऊपर प्रेशर की एप्लीकेशन लगाई भी जाती है और ज़रूरी भी नहीं है। मतलब प्रेशर जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो हीट है वो कंपलसरी है। तो वेल्डिंग जो है वो एक प्रोसेस हो गई दो या दो से ज़्यादा सिमिलर और डिससिमिलर मेटल्स को जोड़ने की बाय द यूज़ ऑफ हीट। वेल्डिंग इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट्स। वेल्डिंग जो है वो परमानेंट जॉइंट बनाने के काम में आती है। परमानेंट जॉइंट्स और टेम्परेरी जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? टेम्परेरी जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर अलग भी कर दिया जाए तो जो पेरेंट मेटल है या जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उन पर कोई असर नहीं होता, वो तब भी वैसे ही होते हैं जैसे पहले होते हैं। लेकिन जो परमानेंट जॉइंट्स होते हैं उन्हें एक बार अगर जॉइंट कर दिया तो उसके बाद में जब उन्हें अलग किया जाएगा तो उनमें चेंजेस आ जाते हैं। वेल्डिंग इज ए प्रोसेस फॉर जॉइनिंग डिफरेंट मटेरियल्स। द लार्ज बल्क ऑफ मटेरियल दैट आर वेल्डेड आर मेटल्स एंड देयर अलॉयज। जो मटेरियल वेल्ड किए जाते हैं उनमें अधिकतर मेटल और उनके अलॉय होते हैं। ऑल्दो द टर्म वेल्डिंग इज आल्सो अप्लाइड टू द जॉइनिंग ऑफ अदर मटेरियल्स सच एज थर्मोप्लास्टिक्स। हालांकि वेल्डिंग जो है मेटल और उनके अलॉयज के अलावा अदर मटेरियल्स को जोड़ने के अभी काम करती है जैसे थर्मोप्लास्टिक। वेल्डिंग जॉइंस डिफरेंट मेटल्स अलॉयज विद द हेल्प ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन विच हीट इज सप्लाइड आइदर इलेक्ट्रिकली और बाय मीन्स ऑफ ए गैस टॉर्च। वेल्डिंग जो है वो अलग अलग मेटल्स को और अलॉयज को जोड़ती है जिनमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूज़ आती हैं, जिनमें जो हीट है वो या तो इलेक्ट्रिकली या बाय मीन्स ऑफ गैस टॉर्च जोड़ी जाती हैं, सप्लाई की जाती है। इन ऑर्डर टू जॉइन टू और मोर पीसेज ऑफ मेटल्स टुगेदर बाय वन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस द मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट इज हीट। इसलिए दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को एक साथ जोड़ने के लिए जब वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है या वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है तो जो हीट है वो मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। प्रेशर में आल्सो बी एम्प्लॉयड। प्रेशर जो है वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंस अ स्लाइट गैप यूजुअली एग्जिस्ट बिटवीन द एजेस ऑफ वर्क पीसेस अ फिलर मेटल इज यूज टू सप्लाई एडिशनल मटेरियल टू फिल द गैप। जो दो मेटल्स जिन्हें जोड़ना है, जो दो मेटल प्लेट्स हैं जिन्हें जोड़नी है, अगर उनके कॉर्नर्स एकदम फिक्स नहीं है और उनके बीच में गैप है तो उस गैप को भरने के लिए और एजेस को जोड़ने के लिए फिलर मेटल का यूज़ किया जाता है एज ए एडिशनल मटेरियल। बट वेल्डिंग कैन आल्सो बी कैरिड आउट विदाउट द यूज़ ऑफ फिलर मटेरियल। लेकिन जो वेल्डिंग है वो बिना फिलर मेटल के भी यूज़ की जाती है। द फिलर मेटल इज़ मेल्टेड इन द गैप। जो फिलर मेटल है वो उस गैप में मेल्ट होता है। कम्बाइंस विद द मोल्टन मेटल ऑफ द वर्क पीस और जो वर्क पीस का मोल्टन मेटल है उसके साथ कम्बाइंड हो जाता है एंड अपॉन सॉलिडिफिकेशन फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सॉलिडिफिकेशन के बाद में एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में चेंज हो जाता है। ये वेल्डिंग के टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इनमें इलेक्ट्रोड होल्डर, टॉर्च, फिलर मेटल, वेल्ड हेड, वेल्ड बीड,
पावर सप्लाई एसी और डीसी। यहाँ दो प्लेट्स हैं मेटल की जिन्हें जोड़ना है। बीच में फिलर मटेरियल भरा गया है और इस गैप को फिक्स किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, एन आइडियल जॉइंट बिटवीन टू पीसेस ऑफ मेटल और प्लास्टिक कैन बी मेड बाय हीटिंग द वर्क पीसेस टू ए सेट सूटेबल टेम्परेचर। मेटल और प्लास्टिक के, मेटल या प्लास्टिक के जो दो पीस जोड़ने हैं उन्हें सूटेबल टेम्परेचर पर लाया जाता है बाय हीटिंग। इन अदर वर्ड्स, ऑन हीटिंग द मटेरियल सॉफ्टन सफिशेंटली सो दैट द सर्फेस फ्यूज टुगेदर। जो मटेरियल हैं वो नरम हो जाते हैं ताकि जो सरफेस है वो आसानी से जुड़ सके। द बॉन्डिंग फोर्स होल्ड द एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन सॉलिड। जो बॉन्डिंग फोर्स हैं वो एटम्स को, आयन्स को और मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ के रखते हैं। दिस बॉन्डिंग ऑन कॉन्टैक्ट इज अचीव्ड ओनली वेन। ये जो बॉन्डिंग है, कॉन्टैक्ट बॉन्डिंग है, ये हमें तब मिलती है जब द कंटामिनेटेड सरफेस लेयर ऑफ द वर्क पीस आर रिमूव्ड। जो सरफेस लेयर है वर्क पीस की उसमें से कंटामिनेटेड पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए। रिकंटामिनेटेड इज अवॉइडेड। रिकंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। द टू सरफेस आर मेड स्मूथ फ्लैट एंड फिट ईच अदर एग्जैक्टली। और जो टू सरफेसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से फिक्स जॉइंट होनी चाहिए। इन हाईली डिफॉर्मेबल मटेरियल्स द अबव एम्स कैन बी अचीव्ड बाय रैपिडली फोर्सिंग द टू फोर्सेज ऑफ द वर्क पीस टू कम क्लोजर सो दैट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मेक्स देयर शेप कन्फर्म टू ईच अदर एट द सेम टाइम। द सर्फेस लेयर्स आर ब्रोकन अप अलाउिंग द इंटीमेट कॉन्टेक्ट नीडेड टू फ्यूज द मटेरियल। दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट वे नोन टू वेल्ड मेटल बाय हैमरिंग द पीस टूगेदर वाइल दे आर इन हॉट कंडीशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, कितनी तरीके की वेल्डिंग प्रोसेस होती हैं। देर आर अबाउट 35 डिफरेंट वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेसेस एंड सेवरल सोल्डरिंग मेथड्स इन यूज बाय इंडस्ट्री टूडे। देर आर वेरियस वे ऑफ क्लासिफाइंग द वेल्डिंग एंड अलाइड प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट, जैसे फ्लेम, आर्क। जो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं उन्हें जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो क्लासिफाई करते हैं कौन कौन से बेसिस पे, सोर्स ऑफ हीट क्या है उसकी, फ्लेम के फॉर्म में है या आर्क के फॉर्म में है, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कैसा है उनका, लिक्विड लिक्विड का है, सॉलिड सॉलिड का है, कौन सी स्टेट में है। इन जनरल वेरियस वेल्डिंग आर अलाइड प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। इन जनरल जो अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट, गैस वेल्डिंग। अब गैस वेल्डिंग में भी कई तरीके की गैस वेल्डिंग होती हैं, जिनमें एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, प्रेशर गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हम दो अलग अलग तरीके की गैसेस का यूज़ करते हैं और उनकी मदद से हम वेल्डिंग करते हैं। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस और टाइप ऑफ गैस, गैस वेल्डिंग अलग अलग तरीके की क्लासिफाई होती है। देन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग को हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आर्क एंड देयर मेटल। फर्स्ट, कार्बन आर्क वेल्डिंग। सेकेंड, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। थर्ड, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। फोर्थ, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। देन टिग और जीटा वेल्डिंग, मिग जीमा वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, स्ट्रट आर्क वेल्डिंग। रेस्टेंस वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग होती हैं, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, रेस्टेंस बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, प्रिक्यूशन वेल्डिंग, हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, कोल्ड वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, हॉट प्रेशर वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग,
अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। इन तरीके की जो भी ये जितने भी तरीके की ये वेल्डिंग है उनके बारे में हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस, इसकी जो क्लासिफिकेशन है दे आर थर्मिट वेल्डिंग, एटमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, नेक्स्ट रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेसेस, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेज़र बीम वेल्डिंग। एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ए गुड वेल्ड इज़ ए स्ट्रॉन्ग एज द बेस मेटल। जो वेल्ड किया हुआ है अगर वो अच्छे से वेल्ड किया हुआ है तो वो उतना ही मजबूत होता है जितना बेस मेटल होता है। जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, और पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। वेल्डिंग परमिट्स कंसिडरेबल फ्रीडम इन डिज़ाइन। वेल्डिंग जो है वो डिज़ाइन के लिए फ्रीडम देती है, क्योंकि हम जो वेल्डिंग है वो किसी भी तरीके के कॉन्फ़िगरेशन पे कर सकते हैं, किसी भी तरीके के कॉर्नर्स पर कर सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स अलॉयज बोथ सिमिलर एंड डिससिमिलर कैन बी जॉइंड बाय वेल्डिंग। लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स अलॉयज चाहे वो सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं वो जॉइंट किए जा सकते हैं वेल्डिंग की मदद से। वेल्डिंग कैन जॉइन वर्क पीस थ्रू स्पॉट्स एज कंटिन्यूस प्रेशर टाइट सीम्स एंड टू एंड एंड इन अ नंबर ऑफ अदर कॉन्फिग्रेशन। जो वेल्डिंग है वो वर्क पीसेस को जॉइंट करती है, कंटिन्यूस प्रेशर टाइट सीम्स को जॉइंट करती है, स्पॉट्स को जॉइंट करती है एंड टू एंड एन नंबर ऑफ अदर कॉन्फिग्रेशन को जॉइंट करती है। वेल्डिंग कैन बी मैकेनाइज्ड। जो वेल्डिंग है वो मैकेनाइज्ड हो सकती है, मीन्स मैनुअल भी हो सकती है और मशीन भी हो सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग गिव्स आउट हार्मफुल रेडिएशंस फ्यूम्स एंड स्पैटर। जो वेल्डिंग है वो रेडिएट करती है हार्मफुल रेडिएशन को, फ्यूम्स को और स्पैटर को। और अगर वेल्डिंग लेबर जो है वो स्किल्ड अगर नहीं है तो उससे निकलने वाले स्पैटर से वो बर्न हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। वेल्डिंग रिजल्ट्स इन रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द वर्क पीसेस। वेल्डिंग जो होती है उससे जो भी वर्क पीस होता है उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस या डिस्टॉर्शन होता है। एज प्रिपरेशन ऑफ द वर्क पीस जनरली रिक्वायर्ड बिफोर वेल्डिंग देम। वर्क पीसेस को वेल्डिंग करने से पहले उनकी एज प्रिपरेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। स्किल्ड वेल्डर इज़ ए मस्ट टू प्रोड्यूस अ गुड वेल्डिंग जॉब। अच्छा वेल्डिंग जॉब प्रोड्यूस करने के लिए एक स्किल्ड वेल्डर की ज़रूरत होती है, या एक स्किल्ड वेल्डर ही अच्छा जॉब प्रोड्यूस कर सकता है। वेल्डिंग हीट प्रोड्यूसेस मेटलर्जिकल चेंजेस। वेल्डिंग हीट जो है उससे मेटलर्जिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इज़ नॉट एज सेम एज पैरेट मेटल। जो स्ट्रक्चर है वेल्डिंग जॉइंट का वो सेम नहीं होता पैरेट मेटल से। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं या होते हैं। फर्स्ट, वेल्डिंग हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एज ए टूल फॉर। वेल्डिंग मेनली इसका यूज़ इंडस्ट्रीज में होता है, इसलिए रेगुलेटर, रेगुलर फैब्रिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, कार, एयरक्राफ्ट, रेफ्रिजरेटर, इन सब में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क में, जॉइनिंग ब्रेकन पार्ट्स व
ब्रोकन पार्ट जो ख़राब पार्ट्स हैं या जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको सही करने में, रीबिल्डिंग वर्न आउट कंपोनेंट्स, जो वर्न आउट कंपोनेंट्स हैं उनको रीबिल्ड करने में। अ फ्यू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग आर लिस्टेड बिलो, नीचे दी गई हैं। फर्स्ट, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, वेल्डेड इंजन माउंट्स, टर्बाइन फ्रेम फॉर जेट इंजन, रॉकेट मोटर फ्यूल, ऑक्सीडाइजर टैंक्स, डक्ट्स, फिटिंग्स, कॉलिंग कंपोनेंट्स। सेकंड, ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में आर्क वेल्डेड कार व्हील्स, स्टील रियर एक्सल हाउसिंग, फ्रेम साइड रेल्स, ऑटोमोबाइल फ्रेम ब्रैकेट्स, इन सब में। ब्रिजेज में कहाँ यूज़ होती है वेल्डिंग? सेक्शन लेंथ में, शॉप एंड फील्ड असेंबली ऑफ लेंथ में, बिल्डिंग्स में, कॉलम बेस प्लेट्स में, ट्रसेस में, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इनमें वेल्डिंग का यूज़ होता है। प्रेशर वेसल्स एंड टैंक्स, क्लैड एंड लाइन स्टील प्लेट्स, शेल कंस्ट्रक्शन, जॉइनिंग ऑफ नोजल टू द शेल, स्टोरेज टैंक में, ऑयल गैस एंड वाटर स्टोरेज टैंक्स, रेल रोड इक्विपमेंट, लोकोमोटिव्स, अंडर फ्रेम में, एयर रिसीवर में, इंजन में, पाइपिंग्स एंड पाइपलाइंस, रोल प्लेट पाइपिंग्स, ओपन पाइप जॉइंट्स, ऑयल गैस एंड गैसोलीन पाइपलाइंस, डीसीएम, शिप्स, शेल फ्रेम्स, डेक बीम्स एंड बल्क हेड स्टिफनर्स, ग्रिडर्स टू शेल्स, बल्क हेड वेब्स टू प्लॉटिंग, ट्रक एंड ट्रेलर्स, मशीन टूल फ्रेम्स, कटिंग टूल्स एंड डाइज, हाउस होल्ड एंड ऑफिस फर्नीचर, अर्थ मूविंग मशीनरी एंड क्रेन्स। इन एडिशन, आर्क वेल्डिंग फाइंड आउट एप्लीकेशन इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड वर्क, रिपेयर ऑफ ब्रोकन एंड डैमेजेस कंपोनेंट्स एंड मशीनरी सच एज टूल्स, पंचेस, डाइज, गियर, शेयर्स, प्रेस एंड मशीन टूल फ्रेम्स, हार्ड फेसिंग एंड रीबिल्डिंग ऑफ वर्न आउट और अंडरसाइज्ड कॉस्टली पार्ट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस, फैब्रिकेशन ऑफ जैक फिक्चर्स, क्लैंप्स एंड अदर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। अब जो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।